जनपद शाहजहांपुर में नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ग्राम पृथ्वीपुर ढाई में सभी ने 9 बजे अपने घरों के दरवाजे बालकनी में खड़े होकर दीयों की रोशनी कर एकजुटता का परिचय दिया। विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते 25 मार्च से पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। हालांकि लॉकडाउन से पहले प्रधानमंत्री ने एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाकर लोगों से घरों में रहने, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर देशवासियों से समर्थन करने को कहा था। उससे पहले 22 मार्च को प्रधानमंत्री ने घरों की छतों और बालकनियों से शाम 5 बजे 5 मिनट तक थालियों को बजाने तथा तालियां बजाने के लिए अपील की थी, जिस पर पूरे देश ने प्रधानमंत्री का साथ दिया। इस महामारी से लड़ने के लिए सामूहिक शक्ति का संकल्प किया था। लॉकडाउन में संकट की घड़ी में कोरोना के संकट के अंधकार को चुनौती देने के लिए रात 9 बजे 9 मिनट तक दिए, मोमबत्ती, टॉर्च और मोबाइल फ्लैश जलाकर एकजुटता का परिचय दिया, जिसे लेकर शाहजहांपुर में भी सभी घरों में अपनी अपनी छतों पर, दरवाजों पर, बालकनियों में रोशनी कर प्रकाश की ताकत का परिचय दिया और कोरोना के संकट को, चुनौती को सामूहिक शक्ति से विराटता का परिचय दिया और इस बात का यकीन दिलाया कि 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति हर व्यक्ति के साथ है। हम अपने घरों में जरूर हैं, लेकिन हम में से कोई अकेला नहीं है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए सोनू शर्मा की रिपोर्ट। मोदी जी का यह संदेश था कि अगर हम लोग दीपक जलाएंगे तो कोरोना उससे जल्दी भाग जाएगा। हमारी पढ़ाई पे भी इसका बहुत असर पड़ रहा है। अगर हमें कोरोना को भगाना है तो हमें दीप जलाना चाहिए। उन्होंने जैसा कहा था कि हमें दीपक, कैंडल्स या फिर फ्लैशलाइट जलानी है ताकि कोरोना जल्द से जल्द भाग जाए। ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने डॉक्टर्स जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो हम लोग घर पे हैं और वो बाहर मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ करना चाहिए उनके लिए। तो हमने 9 मिनट के लिए उनके कहने उनके अनुसार हमने 9 मिनट के लिए दीप प्रज्वलन की तैयारी करी है। कहीं ना कहीं आप लोगों की पढ़ाई बाधित हो रही होगी, इसको लेकर क्या मन में चिंताएं रहती हैं कोई? जी हाँ, बिल्कुल रहती हैं, तो उसी की आशा में हमने ये दीप जलाया है, शायद कोई रोशनी से कुछ हो सके। क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों? मैं यही देना चाहूँगा संदेश कि जब डॉक्टर्स हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो आप कुछ जो कर सकते हैं वो आप करें। अधिक ये ज़रूरी है कि घर पर ही रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का जो बताया है मोदी जी ने, जो भी मोदी जी निर्देश देते हैं उनका पालन करें। राजस्थान के समदड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 5 अप्रैल रविवार शाम को 9 बजे सभी ने अपने अपने घरों में बालकनियों पर, छतों पर मोमबत्ती, टॉर्च, मोबाइल फ्लैश लाइट जलाकर एवं थालियों के साथ जबरदस्त आतिशबाजी की। माहौल को देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कि दिवाली का माहौल है। वहीं माँ भारती अपने इष्ट देव की प्रार्थना कर इस भयंकर कोरोना महामारी बीमारी से निजात पाने के लिए मंगल कामनाएं की गई। कस्बे के सभी धार्मिक स्थल, मठ, मंदिरों में भी संत महात्माओं द्वारा दीप प्रज्वलित कर देश के लिए सुख समृद्धि की कामनाएं की गई। रात्रि 9 बजे 9 मिनट तक कस्बे में संपूर्ण दीपक एवं पटाखे छोड़कर सभी ने दिवाली जैसी आतिशबाजी करते हुए कस्बे में खुशी जाहिर की। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए शैतान सिंह माली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी।